जय श्री राम। आज हम आपको इतिहास बताने जा रहे हैं भावनगर की स्थापना का। कच्छ के उस राजा के इतिहास की हम बात करेंगे जिन्होंने अगर उस समय गोहिलों की मदद नहीं की होती तो आज भावनगर नहीं होता, आज भावनगर का अस्तित्व ही नहीं होता। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इतिहास प्रेमी जो लोग हैं उन तक हमारी बात पहुंच सके। तो आइए जानते हैं भावनगर की स्थापना, सीहोर की राजगद्दी और उसमें कच्छ का योगदान। 16वीं शताब्दी में कच्छ भुज की राजगद्दी पर महाराव खेंगार जी विराजमान थे और उस समय सीहोर की राजगद्दी पर विसाजी थे। विसाजी ने सीहोर की स्थापना की थी, विसाजी गोहिल, मतलब उस समय भावनगर का अस्तित्व नहीं था। यहां महाराव खेंगार जी के दो छोटे भाई थे, रायब जी और साहेब जी। प्रथम खेंगार जी, दूसरे नंबर के साहेब जी और तीसरे नंबर के रायब जी। ज्येष्ठ पुत्र खेंगार जी थे इसलिए भुज की गद्दी पर खेंगार जी बाबा विराजमान हुए। खेंगार जी, रायब जी और साहेब जी जो कि हमीर जी के पुत्र थे, जाम हमीर जी, कच्छ की राजगद्दी जाम हमीर जी के समय में लाखियार विरा थी और खेंगार जी जब कच्छ की गद्दी पर विराजित हुए तो उन्होंने भुज को कच्छ की राजधानी बनाया। खेंगार जी के जो खेंगार जी के बाद राव भारमल जी कच्छ के सत्ताधीश हुए, कच्छ के सर्वे सर्वा हुए और वहां गोहिल विसा जी के पौत्र रतन जी सीहोर की राजगद्दी पर आए। उनके बाद उनके बेटे हरबम जी को सीहोर की राजगद्दी मिली। रतन जी जो कि विसा जी के पौत्र थे, रतन जी के दो बेटे हरबम जी और गोविंद जी और एक बेटी लीलाबा। लीलाबा का विवाह कच्छ में हुआ था, कच्छ के राव भारमल जी के साथ। गोहिलों का और जाड़ेजाओं का बहुत पुराना वैवाहिक संबंध रहा है। सिंधुपति लाखा दुरारा, मैं ये 9वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, उन्होंने पालीताना से विवाह किया था गोहिलो की राजकुमारी से, उसी से फिर आगे जाड़ेजाओं का वंश चला। तो आइए फिर मुख्य विषय पर आ जाते हैं कि कैसे भावनगर की स्थापना हुई। तो रतन जी के पुत्र हरबम जी ज्यादा समय जीवित नहीं रहे, कुछ समय उन्होंने राज व्यवस्था संभाली और उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद उनके बेटे अखेराज जी गद्दी पर आने वाले थे, मतलब युवराज अब राजा बनने वाले थे, लेकिन हरबम जी के मृत्यु के बाद जो उनके छोटे भाई थे जिनका नाम था गोविंद जी, गोविंद जी की लालच बढ़ गई। अब कुर्सी, वो चाहे वर्तमान की बात करें चाहे राजतंत्र की, कुर्सी ने हमेशा विवाद खड़ा किया है। भाई ने भाई का कत्ल किया है, आपने इतिहास पढ़ा है, बेटे ने पिता का कत्ल किया है, आपने इतिहास पढ़ा है। तो यहां भी गोविंद जी ने जो कि गद्दी अखेराज जी की थी हरबम जी के बेटे की, लेकिन गोविंद जी की नियत खराब हो गई और सीहोर की राज गद्दी गोविंद जी ने अपने कब्जे में ले ली। अखेराज जी छोटे थे, वो बिल्कुल निराधार हो गए, उनके पास अब कोई आश्रय रहा नहीं और गोविंद जी इसी तक की राह में थे कि कैसे मुझे मौका मिले, मौके की तलाश में थे कि कैसे मुझे मौका मिले और कैसे मैं अखेराज जी का जो है वो उनको खत्म कर दूं ताकि मुझे कोई चुनौती सीहोर में अब नहीं चाहिए। इधर जो अखेराज जी की माता जी थी, जो हरबम जी की पत्नी, उन्होंने कच्छ में एक संदेश भेजा। अखेराज जी की बुआ कच्छ में थी लीलाबा और अखेराज जी के जो फूफा जी थे वो कच्छ के राव थे, कच्छ के राजा थे। इधर अखेराज जी छोटे थे इसलिए उनकी माता जी ने कच्छ में संदेश भेजा जो कि हरबम जी की बहन थी लीलाबा को, अखेराज जी की बुआ को, कि यहां आपके भतीजे की गद्दी को उसके चाचा ने छीन लिया है, तो अपने भतीजे को उसका अधिकार दिलवाइए, आपका जो भतीजा है वो निराधार हो चुका है, अगर आपने मदद नहीं की तो कल उसका चाचा इन्हें खत्म कर देगा, मार देगा, इनकी हत्या कर देगा।
उस समय गोविंद जी की पहरेदारी मजबूत थी, तो संदेश भेजना भी मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे करके संदेश वहां पर पहुंच गया और सीहोर के युवराज को कच्छ लाने की व्यवस्था की गई। कुछ गोहिल सरदारों ने और कुछ रबारियों ने मिलकर सीहोर के युवराज को सीहोर से कच्छ लाने का व्यवस्था की। कोई किसी शॉर्ट रास्ते से वो इनको कच्छ लाए। युवराज के साथ, अखेराज जी के साथ उनकी माताजी भी आई और दोनों कच्छ में आ गए। इनका कच्छ में भव्यता से स्वागत किया गया, इनको रखा गया। साथ में जो सैनिक आए थे, जो सरदार आए थे, उनको भी कच्छ ने आश्रय दिया। कच्छ ने तब तक अखेराज जी को रखा जब तक अखेराज जी युवान ना हो जाए। जैसे ही अखेराज जी युवान हुए, महाराव भारमल ने यह सोचा कि अब अखेराज जी को राजगद्दी सीहोर की मिलनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी मुख्य जो जिसका अधिकार है वो तो अखेराज का है। चाचा गोविंद जी ने तो ऐसे ही बाहुबल पर गद्दी को दबाए हुआ है। याद रखिए, यहां चाचा ने भतीजे की तो गद्दी ले ली, लेकिन फूफा जी अपने भतीजे को राजगद्दी दिला रहे हैं। बड़ी बात है इतिहास में। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। और जैसे ही अखेराज युवराज जो है वो युवान हुए, कच्छ की फौज तैयार हो गई। कहते हैं कि उस समय कच्छ की फौज का कोई मुकाबला कर सके ऐसा गुजरात सौराष्ट्र में कोई नहीं था। यहां से कच्छ की फौज सीहोर पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गई। सीहोर की सरहद पर कच्छ की फौज जब आई तो यह पता गोविंद जी को चला। गोविंद जी खुद सक्षम नहीं थे कच्छ की जो सेना थी उससे लड़ने के लिए, इसलिए गोविंद जी ने जूनागढ़ के नवाब से मदद मांगी। उस समय जूनागढ़ पर मुस्लिम नवाब का शासन था। गोविंद जी ने मदद मांगी, लेकिन कच्छ की सेना से लड़ने का साहस जूनागढ़ का नवाब भी नहीं कर पाया और उसने गोविंद जी को मदद करने से मना कह दिया कि नहीं, कच्छ के महाराव से मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस सदमे को गोविंद जी नहीं सह पाए, क्योंकि अब गोविंद जी के पास भी कोई और रास्ता नहीं था। वो युद्ध तो कर सके उतने सक्षम उस समय नहीं थे। और यहां कच्छ की बंदूकें, कच्छ की तोहफे पूरे सीहोर में सुनाई देने लगी। घर घर तक बात फैल गई कि कच्छ के महाराव अखेराज जी को लेकर, कच्छ के महाराव भारमल अखेराज जी को लेकर सीहोर की गद्दी को फिर से उसके जो उसका जो मालिक है उसको देने के लिए आ गए हैं। कच्छ की फौज के साथ उस समय जो कुछ गोहिल राज्य व्यवस्था के विश्वासु काठी दरबार थे वो भी जुड़ गए थे। उन्होंने भी कच्छ की फौज में मिलकर गोविंद जी को हटाने के लिए अखेराज जी की मदद की। इधर गोविंद जी लड़ने के लिए सक्षम नहीं थे, जूनागढ़ ने नवाब ने उनको मदद नहीं की। इसी आघात में गोविंद जी की मृत्यु हो गई और सीहोर की राजगद्दी वापिस उसका जो मूल अधिकारी था, जो उसका मूल वारिस था, उसको वापस मिली। कच्छ की फौज पूरे सीहोर में फैल गई। सीहोर की व्यवस्था अब भारमल जी के हाथ में आ गई। अब देखिए, यहां भारमल जी चाहते तो सीहोर को अपने कब्जे में ले सकते थे। अगर उस समय भारमल जी ने सीहोर को कच्छ के साथ मिला लिया होता तो आज गोहिलवाड़ का कोई अस्तित्व नहीं होता, आज भावनगर का कोई अस्तित्व नहीं होता। चाचा ने भतीजे की संपत्ति ले ली, राजगद्दी ले ली, लेकिन फूफा ने अपने भतीजे को, अपने पत्नी के भाई के बेटे को वापस सीहोर की राजगद्दी दिलाई, उसका राज तिलक करवाया और राव भारमल वापस कच्छ आ गए। गोहिलों ने बड़ी प्रशंसा की राव भारमल की, उनका आभार व्यक्त किया कि आपने न्याय की लड़ाई में सीहोर का और सीहोर की जनता का साथ दिया। गोविंद जी तो इसी आघात में पहले से ही स्वर्गवासी हो चुके थे। बाद में उसी अखेराज जी के वापस रतन जी हुए, उनके पुत्र रतन जी, और रतन जी के भावसंग जी हुए, और भावसंग जी ने जो गोहिलवाड़ की जो राजगद्दी थी, जो राजधानी थी, उसको सीहोर से भावनगर में लाकर, मतलब वहां बसाया।
भावसंग जी के द्वारा 1779 संवत 1779 में भावनगर की स्थापना की गई। अखेराज जी के रतन जी नहीं गोविंद जी और गोविंद जी के नाम में एक दो पीछे आगे पीछे हो सकता है। भावसंग जी और भावसंग जी के द्वारा भावनगर की स्थापना हुई। तो मतलब भावनगर की स्थापना में कच्छ का कितना बड़ा योगदान रहा है आपने समझ लिया होगा। अगर कच्छ के राव भारमल भावनगर की मदद नहीं करते, उस समय अखेराज जी की मदद नहीं करते लीलाबा के कहने से, तो सीहोर की राजगद्दी गोविंद जी के पास रहती और आगे उनके वंशजों के पास रहती, तो फिर शायद भावनगर नहीं बसता, क्योंकि फिर तो अलग लाइन चलती, तो आज भावनगर का भी अस्तित्व नहीं रहता, तो फिर उस लाइन से कृष्ण कुमार जी का भी जन्म नहीं होता। तो यह है इतिहास सीहोर का, भावनगर की स्थापना का, और कैसे कच्छ ने भावनगर की मदद की, गोहिल राजवंश की मदद की, कैसे एक फूफा ने अपने भतीजे को राजगद्दी पर बिठाया, कैसे कच्छ के सूरवीरों ने वापस अखेराज जी को उनका हक दिलाया। जय श्री राम।